दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें अपनी किसी पर्टिकुलर फोन की स्पेसिफिकेशन देखनी होती है या फिर कोई भी दो फोनों को आपस में कंपेयर करना होता है साइड बाय साइड, तो हम जाते हैं अपने वेब ब्राउजर के अंदर, वहां पर सर्च करते हैं फोन्स के बारे में और हमें काफी सारी साइट्स देखने को मिलती है जैसे कि GSM Arena और भी काफी सारी, मगर उनमें भी कभी कभी काफी सारी दिक्कत हो जाती है कि कभी वो लोड नहीं होती या फिर कोई भी इंटरनेट इशूज। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस ऐप से आप कोई भी पर्टिकुलर फोन को उसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आप, या फिर कोई भी दो फोन होगा आपस में कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड, उनकी साइज स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं जैसे कि कैमरा किसका अच्छा है या फिर स्क्रीन किसकी बड़ी है, ऐसे ही स्पेसिफिकेशन आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं फोन के अंदर। इतना ही नहीं, आप उस फोन के अंदर टेक न्यूज भी देख सकते हैं। टेक न्यूज मतलब आप समझते ही होंगे, टेक न्यूज का मतलब ये होता है कि न्यूज टेक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर नई नई न्यूज, वो आप उस ऐप से देख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उस ऐप के बारे में कि वो ऐप कौन सी है, क्या नाम है उस ऐप का, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव सारस होता है, आप देख रहे हैं ध्रुव टेक द टेक्निकल स्टार। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं कि वो कौन सी ऐप है जिससे आप वो सारे फीचर्स कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। वो ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाती है। प्ले स्टोर पे आपको लिखना होगा ऊपर मिस्टर फोन, मिस्टर फोन है ऐप का नाम। आप सर्च करेंगे, आप उसको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। ये कोई ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, 4 से 5 MB तक के बीच की ये ऐप है और आप देख सकते हैं 10,000 डाउनलोड हैं अभी। तो अभी तो स्टार्टिंग है इस ऐप की, अभी आई है। तो ओपन करेंगे इस ऐप में, आप ज़्यादा देखेंगे ऐसे आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे मोबाइल, ये वहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल लिखना होगा और आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो सारी की सारी उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन हैं सारी खुल के आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सर्च करता हूँ Xiaomi Mi 5। लिख ही लेते हैं Mi 5। Mi 5 Pro का कर लेते हैं सर्च। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव योर प्रोडक्ट फॉर ऑफलाइन व्यूइंग। इस बटन का फीचर ये है कि अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो आप इसको बिना इंटरनेट के भी अपने सारे स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल की देख सकते हैं। तो मैं आपको सेव कर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इंटरनेट ऑफ करके भी दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन सारी चीज़ें बता रहा है, फ़ोन टाइप स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड सिस्टम बता रहे हैं 6.0 MIUI 7 UI, फॉर्म फैक्टर, कैंडी बार, हर चीज़ आपको बता देगा सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस। और आपको इसके लिए ना ही किसी वेब ब्राउज़र पर जाना पड़ा, ना ही GSM Arena, ना ही एंड्रॉयड अथॉरिटी। सिंपल से आप इसमें जाकर सारी की सारी स्पेसिफिकेशन किसी भी फ़ोन की देख सकते हैं। तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए दिखाई, वैसे आप किसी भी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कंपेयर कैसे करना है। इस पर जाके आप नीचे दो देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर, इसको पहले हटा देते हैं। सबसे पहले आप बताइए, हम देखते हैं कि कौन कौन से फ़ोन कंपेयर करने हैं हमें। मैं करना चाहूँगा एक तो Xiaomi Redmi 3 Note, Xiaomi Redmi 3 और यहाँ पे Redmi Note 3। ये दोनों फ़ोन हैं अलग, मीडिया टेक का कर लेते हैं। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी हैं जो फाउंड नहीं होते, तो चलिए इसको हटाइए। हम लिखते हैं कूल पैड Note 3 Lite और यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 3। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, हमेशा की तरह हटाइए। हम लिख लेते हैं कूल पैड नोट 3 लाइट, लाइट की जगह कूल पैड लिख लेते हैं सीधा। और भी आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे फोन हैं इसके अंदर। Mizu M2 लिख देते हैं, Mizu M2।
मेरी गलती हो गई। M2। आप देख सकते हैं दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे आपका मीजू M2 और यहाँ पे है कोलपैड नोट की लाइट, तो आपको दोनों की इमेजेस भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन मिल रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन किसमें सबसे बढ़िया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्क्रीन साइजेस, डायमेंशंस, रेट, रिजोल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी, रियर कैमरा, फ्लैश, फ्रंट फ्रंट कैमरा, चिपसेट, CPU, GPU, रैम कैपेसिटी, इसकी बैटरी कैपेसिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, कनेक्टर्स, सिम कार्ड, कौन सी सिम लगे इसमें, स्टोरेज, स्टोरेज एक्सपेंशन, और पैसे ही बताया था कि कितने रुपए का ये वाला फ़ोन मिल रहा है और कितने रुपए का ये वाला। इसका नॉट अवेलेबल है मीजू का, अभी पैसा नहीं बता पा रहा है, तो कोई नहीं। ये था इसका दूसरा फीचर, अब बताते हैं हम आपको इसका तीसरा फीचर। आप ऊपर वाला बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सारे जितने भी न्यू रिलीज हैं फ़ोन के, जो भी नए फ़ोन रिलीज़ हो रहे हैं सारे आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये सारे फ़ोन न्यू रिलीज़ के अंदर हैं, मतलब रिलीज़ होने वाले हैं। ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। बढ़ते हैं हम अगले फीचर की तरफ, तो वो है जहाँ पे हम पॉपुलर फ़ोन्स, जो सबसे पॉपुलर फ़ोन्स हैं ये हमें वो वाले भी दिखाएगा, ये सारे पॉपुलर फ़ोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखाएगा, जो कुछ भी स्टोरेज आजकल टेक्नोलॉजी में चल रही हैं, कैन अ वाटरमेलन प्रोटेक्ट iPhone SE फ्रॉम 100 फीट डॉप टेस्ट, ऐसे स्टोरीज आप इसको टेक न्यूज़ के तौर पे कह सकते हैं। टेक न्यूज़ है, टेक न्यूज़ भी बताता है ये, देख पा रहे होंगे आप जो मैंने आपको कहा था कि टेक न्यूज़ बताया था, तो ये छोटी मोटी टेक न्यूज़ भी ऐसे बताता है। OnePlus 3 की लीक फोटो सैम्पल्स शोज दी रियर कैमरा इन एक्शन, तो यह देख सकते हैं आप जो OnePlus 3 आने वाला है, जैसे हम सबको पता है उसके जो फ्रंट रियर कैमरे का जो रियर कैमरा की एक सैम्पल फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये लीक करी गई है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी टेक न्यूज़ मिल पा रही है, देख सकते हैं हमें OnePlus 3 की न्यूज़ मिल गई कि ऐसा उसका कैमरा होने वाला है, तो ये भी अच्छी काफ़ी टेक न्यूज़ लगी। ऐसे ही हमें बहुत सारी टेक न्यूज़ यहाँ पे मिलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है इवेंट्स के बारे में। ये फ़ोन हमें यही बताता है कि कौन कौन से इवेंट्स सब होने वाले हैं मोबाइल फ़ोन्स के और कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एलई कंपनी अपने नए नए फ़ोन्स लॉन्च करी है, जैसे एलई को LE 2, LE 2 Pro, LE Max 2, LE Launch Mi 3। तो ये होने वाले लॉन्च, तो उसका इवेंट बता दिया कि कहाँ पे होने वाला है, मुंबई के अंदर होने वाला है 3 मई को, और अगला इवेंट है मीजू V8 का डुअल कैमरा, वो 10 मई को है सॉरी, और शिओमी का MI Max बीजिंग में लॉन्च होगा वो, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। मीजू M3 नोट की भी डेट आ गई है, सेव द डेट 11/5/2016, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटोरोला मोटो की भी यहाँ पे आ गई है 17 मई। तो ये सारी आपको जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी कुछ इवेंट्स की डेट है जो ये फ़ोन बताया था है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसका आखिरी फीचर नहीं है, अभी एक और फीचर रहेगा जो मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऑफलाइन भी अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं। तो मैं अपनी ज़रा वाईफाई ऑफ़ कर देता हूँ, वाईफाई मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या है हमारे पास फेवरेट्स के अंदर। फेवरेट्स में आप जाएंगे, मैंने एक सेव कर रखा है शिवमी MI 5 Pro, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सारी स्पेसिफिकेशन इसकी बिना इंटरनेट के आपको दिख रही है। मगर आप अगर हम कुछ और सर्च करेंगे तो लिखा रहा है एरर इन कनेक्शन, तो फिर इसलिए आपको फेवरेट्स के अंदर सर्च अपने सेव कर लेना चाहिए, अपने टाइम बचाने के लिए और इंटरनेट बचाने के लिए भी। दोस्तों ये थी वाली ऐप, और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो ऐप थी वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और ये ऐप रिव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, मेरे को उम्मीद है। और दोस्तों आपको एक और अपडेट मैं देना चाहता था इस चैनल के रिगार्डिंग, कि इस चैनल ने एक फेसबुक पेज बनाया, अपना फेसबुक पेज आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको मैं अपडेट्स देने वाला हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग, अपने पूरे चैनल के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सारे अपडेट्स नहीं दे पाता हूँ, इसलिए फेसबुक पे मैं आ गया हूँ, मतलब हमारे चैनल का पेज आ गया है। तो ज़रूर से आकर के आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे आपको फोटोज, वीडियोज़ और काफ़ी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपना स्टेटस डालूंगा कि क्या है आज का रिव्यू, कौन सी वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिखा होगा लिंक टू माई फेसबुक पेज, उस पर जाकर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। फेसबुक पेज का नाम है इस चैनल का नाम, मतलब कि ध्रुव टेक द टेक्निकल स्टार, वो फेसबुक पेज का नाम है। अगर आपको लिंक से नहीं जाना है तो फिर आप सीधा अपने फेसबुक पे आके सर्च कर सकते हैं, और
अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो LCSS करना बिल्कुल ही मत भूल जाइएगा। LCSS वो क्या होता है? नहीं पता तो अब जान लीजिए। LCSS मतलब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैंने एक बार बता दिया है, हर बार नहीं बताया करूंगा, हर बार बोला करूंगा LCSS करना बिल्कुल ही मत भूल जाइएगा। तो एक बार बता रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती रहती है हर वीडियो बनाने के लिए, अगली वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर से LCSS कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।